सो जो न्यूरल कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन किस मैनर में इफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म्स में, हम ये देखेंगे. सो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म्स और एनिमल्स इज कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स. जो अपनी जो न्यूरल सिस्टम होती है ब्रेन की, वो किस से कंपोज हुई है? न्यूरॉन्स से. सो न्यूरल सिस्टम के फंक्शंस क्या है, वो किस में हेल्प करती है? सो न्यूरल सिस्टम डिटेक्ट, रिसीव्स एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मतलब इम्पल्सेस. वो क्या करती है? डिटेक्ट करती है, रिसीव करती है. डिटेक्ट करने के बाद वो उसे रिसीव करती है, फिर ट्रांसमिट करती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, दैट इज इम्पल्सेस. सो नेक्स्ट, व्हाट इज हियर? सबसे सिंपल न्यूरल सिस्टम किस में प्रेजेंट होती है? इन वर्टिब्रेट्स में. एग्जाम्पल है हाइड्रा. और किस तरह प्रेजेंट होती है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. सो दिस इज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन विच आई एम टेलिंग यू ऑफ न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज. जो इंसेक्ट है उनमें न्यूरल सिस्टम हाइड्रा, दैट इज इन वर्टिब्रेट से बेटर ऑर्गेनाइज मैनर में होती है. कैसे होती है? इन ब्रेन प्रेजेंट अलॉन्ग विथ, ब्रेन जो होता है अलॉन्ग विथ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में. वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम. जो वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है? मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होती है. सो नेक्स्ट है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. जो ह्यूमन है उनकी न्यूरल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है. जैसे CNS, उसे कहते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. PNS, उसे कहते हैं पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम. जो CNS है इसमें दो क्या कंसिस्ट होते हैं? तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं. और PNS है उनमें, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, नर्व्स एसोसिएटेड विद बॉडी. जो अपने नर्व्स होते हैं वो बॉडी से एसोसिएटेड होते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में विथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. वो नर्व्स किससे एसोसिएट होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से. नेक्स्ट इज नर्व फाइबर्स. दो टाइप्स के नर्व फाइबर्स होते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स. सो एफरेंट नर्व फाइबर्स के फंक्शन क्या है? ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन्स टू CNS. ओके, जो इम्पल्सिस ट्रांसमिट करते हैं किससे करते हैं? टिश्यूज से CNS तक. कौन ट्रांसमिट करता है? इफरेंट फाइबर्स. और एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? इम्पल्सिस टिश्यू टू CNS और ऑर्गन टू CNS. नाउ इफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम CNS टू कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन. CNS से वापस टिश्यू या ऑर्गन से, ऑर्गन में इम्पल्स ट्रैवल करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू. जैसे हम कह सकते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. अभी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के रोल्स क्या है, फंक्शंस क्या है? लेट्स सी. रिप्लेस इम्पल्सिस फ्रॉम CNS टू स्केलेटल टिश्यू. नाउ हियर व्हाट हैपेंस? जो इम्पल्सिस है वो CNS से स्केलेटल मसल्स तक ट्रैवल करते हैं. ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है? ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स. ऑटोनॉमिक, सी ऑटोनॉमिक से ही पता चलता है जो ऑर्गन्स इनवॉलेंट्री है, मीन्स हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. उन ऑर्गन्स के जो कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो CNS से इम्पल्सिस कहाँ ट्रांसमिट होते हैं? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स. ना ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो दो टाइप्स में डिवाइड है, सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम. नाउ व्हाट इज द सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम? सो जो सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम, आई एम टेलिंग इन जनरल, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है? जब हम, व्हाट वी कैन से, व्हेन वी फियर, अगर हम घबरा जाते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, इजंट इट? तो दैट इज सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम.